कल यानी गुरुवार को कांग्रेस के तमाम नेता राज्यपाल फागू चौहान से मिलेंगे और ज्ञापन सौंपेंगे। पटना में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि हमारे नेता राहुल गांधी जी को इन दिनों काफी परेशान किया जा रहा है। जिस तरीके से आज तीसरे दिन बुलाकर ईडी ने पूछताछ की, उससे लगता है कि वे जैसे अपराधी हैं। ईडी लगातार 3 दिनों से उन्हें परेशान कर रही है। उनको जिस तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है, उसे देखकर लगता है कि मंशा साफ नहीं है। उनके ऊपर जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं, वह सब झूठे आरोप हैं। एक समय गांधी जी ने भी सच के लिए लड़ाई लड़ी थी, उसी तरीके से हम लोग भी सच के लिए लड़ाई लड़ेंगे। बिहार कांग्रेस के तमाम नेता कल राज्यपाल फागू चौहान से मिलकर पूरी बातों को उनके समक्ष रखेंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि राहुल गांधी को 3 दिन से लगातार ईडी परेशान कर रही है। उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है मानो राहुल गांधी कोई अपराधी हो। राहुल गांधी किस परिवार से आते हैं, यह सब जानते हैं। जहां तक सत्ता का सवाल है, तो उनकी माताजी सोनिया गांधी ने 2-2 बार पीएम पद को सम्मान पूर्वक ठुकराया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि राहुल गांधी को 3 दिन से लगातार ईडी परेशान कर रही है। उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है मानो कि राहुल गांधी कोई अपराधी हो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।